अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास मैथ्स प्रोफेसर शहाब, क्लास 10 कराची बोर्ड, एक्सरसाइज नंबर 6.5, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वेशंस और इनइक्वालिटीज। पिछली क्लास में हमने इक्वेशंस के बारे में सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट किए थे, इस क्लास में हम इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटीज में आपके पास क्या होता है, आपके पास इज इक्वल टू के साइन की जगह आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन के ऑपरेटर्स होते हैं। तो आप ये लेस देन और ग्रेटर देन को के जरिए आप इसके सॉल्यूशन सेट मालूम करेंगे कि अब आपके पास इक्वालिटी नहीं है, अब आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं। तो अभी हम इस पहली प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। इसकी जो इसकी पहली प्रॉब्लम है वो है 2a-6 ग्रेटर देन 3+a। तो इसमें आप इस तरीके से करेंगे कि लाइक टर्म्स को एक तरफ कर दें, जैसे कि ये हो गया 2a, प्लस का 3a वहाँ गया माइनस का a, ग्रेटर देन माइनस का 6 जब यहाँ आया प्लस का 6, तो ये हो गया 3+6। तो 2a-a, a ग्रेटर देन 9। अब जैसे कि एक ग्रेटर देन हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन इसमें जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसमें आपको ये ज़रूर देखना है कि आपको सेट क्या बनाना है, मतलब जो आपकी जो रेंज है वो किस सेट से बिलोंग करती है। क्या वो नेचुरल नंबर्स का सेट है, वो इंटीजर्स का सेट है, वो रियल नंबर्स का सेट है, वो होल नंबर्स का सेट है, वो क्या है। तो हमारे पास जो यहाँ पे सेट दिया गया है वो नेचुरल नंबर का सेट है, कि जो ए है ये जो सिंबल है इसे कहते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल से मुराद तमाम के लिए, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू से मुराद ताल्लुक रखना, बिलोंग्स टू। तो ये बेसिकली जो लिखा है इसका मतलब ये है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एन से मुराद नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब है कि तमाम ए बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। तो हमारा जो आंसर आया वो हमें कह रहा है ए ग्रेटर देन 9, ए ग्रेटर देन 9। जो हमारे एज हैं बेसिकली वो 9 से बड़े हैं, तो 9 से बड़े नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 9 से बड़े नेचुरल नंबर होते हैं 10, 11, 12, 13। अब ये सेट फ्रॉम इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो आप इसे 4-5 नंबर्स देने के बाद आप इसे डॉट डॉट लगा के ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपने इसमें ये देखना है कि आपको कौन से सेट पे बात करनी है, वो आपका आंसर होगा। तो अब यहाँ हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, 6b-5 लेस देन b+10 फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे जो सेट यूज़ हो रहा है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, 6b लाइक टर्म्स को एक तरफ करते हैं, जैसे कि प्लस का b यहाँ शिफ्ट हुआ तो माइनस b, लेस देन माइनस का 5 आ गया प्लस 5, 6b-b इज इक्वल टू 5b, लेस देन 10+5 15, बी लेस देन 15/5, b less than 3, यानी कि जो भी आंसर हैं, जो भी b है वो 3 से छोटे होने चाहिए इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के सेट में सबसे बड़ा इशू ये है कि हर 3 से छोटा नंबर रियल नंबर है। तो हम जब सेट में नंबर लिखेंगे तो हम यहाँ पे इस बार हम टेबुलर फॉर्म के बजाय सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे कि b बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट b लेस देन 3, ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये यूज़ करने की वजह यह है क्योंकि टेबुलर फॉर्म में आप हर नंबर ऑफ एलिमेंट आप शो कर रहे होते हैं। अगर ये सेट नेचुरल नंबर का होता तो 3 से छोटे नेचुरल नंबर 1 और 2 तो हम टेबुलर फॉर्म बना देते, लेकिन ये सेट है रियल नंबर का तो हर 3 से छोटा नंबर टेबुलर फॉर्म में शो करना पॉसिबल नहीं है, हर एलिमेंट शो करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है। तो जब आपने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी, इसे रीड करने का तरीका यह है, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट बी लेस देन 3, बी जैसा कि रियल नंबर है, बी बिलोंग करता है रियल नंबर से, जैसा कि बी 3 से छोटी कोई वैल्यू है, 3 से छोटा कोई नंबर है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ख्याल रहे जहाँ पे भी आपको सेट ऑफ रियल नंबर में आंसर देना हो तो आप सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करें, ना कि टेबुलर फॉर्म। तो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अनदर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3, x+5/10 लेस देन 25-4x/5 एंड n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अगर आप यह देखें
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कैंसिलेशन हो रही है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी वैल्यू छोटी हो जाएंगी, 5 1 5 एंड 5 2 10। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 × x + 5 लेस देन 2 × 25 − 4x। 1 × x + 5 = x + 5 लेस देन 2 × 25 − 4x, 2 × 25 = 50 −2 = 8x। लाइक टर्म्स को एक तरफ कर दे, जैसे कि नेगेटिव कट 8x है इक्वल के इक्वालिटी के वहाँ के, +8x लेस देन 50, 5 इक्वल क्वालिटी के वहाँ जाके −5, x + 8x 9x लेस देन 50 − 5 = 45, x लेस देन 45 अपॉन 9, 9 × 9 9 × 5 = 45, x लेस देन 5। अब x लेस देन 5 है और x बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो जब हम इसका सॉल्यूशन सेट फॉर्म करेंगे तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू लेस 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आंसर। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया वो आया 1 2 3 4। प्रॉब्लम नंबर 5, 7y/8 + y + 4/6 + 3/8 > 3y − 4/4 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z, z सेट ऑफ इंटीजर है, इंटीजर का सेट है, जैसे कि 0 + 1 + 2 + 3 so on −1 − 2 − 3 so on। तो इंटीजर्स का सेट वैसे ये सेट होता है। अब हमने इसमें से y का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है, तो सॉल्व करते हैं इसे। क्योंकि ये तीनों फ्रैक्शन में है तो आप बेहतर है 8 और 6 का एलसीएम ले लें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल चेक कर लें। तो 2 ये है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाते हैं, और हम इससे लीस्ट कॉमन मल्टीपल वैल्यू मालूम करेंगे 6 और 8 की। एलसीएम से मुराद वो सबसे छोटा नंबर जो 6 और 8 दोनों के टेबल में आता हो। तो 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 3 as it is, 2 2 = 4, 3 as it is, 2 1 = 2, 3 1 = 3, 1 1। तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो हमें 6 और 6 8 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिला ये मिला हमें 24। तो हम इसे डिनोमिनेटर में यूज़ कर लेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। एलसीएम आया इसका 24, यहाँ पे एक टेक्निक है एलसीएम की, यही है कि आप ये कर ले कि जो आपका एलसीएम आया वो आप चेक बाय डिनोमिनेटर होता है मल्टीप्लाई बाय न्यूमिरेटर होता है। इट मींस दैट कि आप ये चेक करें कि 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, तो 8 के टेबल में 24 आता है 3 times मल्टीप्लाई बाय न्यूमिरेटर, 6 के टेबल में 24 आता है मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय न्यूमिरेटर इज y प्लस 4, और 8 के टेबल में 24 आता है मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपने करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करा देना, 7 3 = 21y प्लस 4 × y प्लस 4, तो 4 × y 4y प्लस 4 4 = 16 प्लस 3 3 = 9। वही मैं जो आप ये डिनोमिनेटर कैंसिलेशन करके, जैसे कि 4 1 = 4, 4 6 = 24, और ऊपर यहाँ पे लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, 21y + 4y = 25y प्लस 16 + 9 = 25 / 6 > 3y − 4। तो ये 6 डिवाइडेड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करा देने से 25y + 25 > 6 × 3y − 4, 25y + 25 = 6 3 = 18y − 6 4 = 24। यहाँ पे लाइक टर्म्स को एक तरफ कर दे, जैसे कि ये है 25y
प्लस का 18 यहाँ गया माइनस का 18y, ग्रेटर देन प्लस का 25 आ गया माइनस का 25, तो ये हो जाएगा माइनस 24 माइनस 25 माइनस 18 7y ग्रेटर देन माइनस इनटू माइनस प्लस सेम ऑपरेटर्स ऑलवेज रिजल्ट नेगेटिव ऑफ सम ऑफ टू नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, तो माइनस 49 y ग्रेटर देन माइनस 49 अपॉन 7, 7 वन 7, 7 7 से 49, तो y ग्रेटर देन माइनस 7। तो आप इसका सॉल्यूशन सेट फॉर्म करेंगे कि व्हाट इज y ग्रेटर देन माइनस 7, तो y ग्रेटर देन माइनस 7 का हम सॉल्यूशन सेट बना देते हैं। y ग्रेटर देन का देन माइनस 7 का सॉल्यूशन सेट अगर हम बनाए तो याद रखिएगा नेगेटिव टर्म में जो जितनी छोटी टर्म होती है बजाय जैसे कि माइनस 7 से बड़ा y, तो माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4, नेगेटिव में जो टर्म जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है, तो जैसे कि माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 सो ऑन, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया y ग्रेटर देन माइनस 6 माइनस 7, तो माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 सो ऑन, तो ये आपका आंसर हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 4 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 3 एक्स प्लस 4 अपॉन 8 माइनस 5 एक्स अपॉन 8 ग्रेटर देन 11 अपॉन 12 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, तो सेट ऑफ रियल नंबर में मैंने आपको बताया था कि हम इसमें जो फॉर्म बनाएंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। तो 2 और 8 का अगर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें फाइंड आउट करें, तो क्योंकि 2 8 2 का मल्टीपल ही है तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी 8 ही आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा, तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 8 आया हमारे पास। तो 8 चेक बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिरेटर, तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स, तो 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 माइनस 5 एक्स 1 ज़ा 5 एक्स मल्टीप्लाई 1, तो सेम ही रहेंगे ग्रेटर देन 11 अपॉन 12। तो 8 और 12 ये कैंसिल आउट हो सकते हैं एक दूसरे से अगर हम करना चाहें, तो ये डिनोमिनेटर कैंसिलेशन कहलाती है। 2 4 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, यहाँ लाइक टर्म्स को आप सेपरेट करते हैं, ये और भी कैंसिल हो सकते हैं जैसे कि 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, यहाँ पे लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर लेंगे जैसे कि माइनस 4 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 5 एक्स और प्लस 16 प्लस 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन 11 अपॉन 3। माइनस 4 प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 6 एक्स और ये हो गया 16 प्लस 4 प्लस 20 अपॉन 2 ग्रेटर देन 11 अपॉन 3, यहाँ क्रॉस करवा देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 6 एक्स प्लस 20 ग्रेटर देन 11 मल्टीप्लाई 2। माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 6 एक्स प्लस 20, तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 6 माइनस 18 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 20 60 ग्रेटर देन 11 2 ज़ा 22 माइनस 6 माइनस 18 एक्स ग्रेटर देन 22 माइनस 60 22 माइनस 60 माइनस 38
कभी भी नेगेटिव कोफिशेंट इक्वलिटीज़ में वहाँ शिफ्ट होता है तो जो इक्वलिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है, जैसे कि x लेस देन -38 अपॉन -18। तो ये नेगेटिव कोफिशेंट था, जब ये नेगेटिव कोफिशेंट इक्वलिटी के को शिफ्ट करता है तो इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, जैसे कि ग्रेटर देन था तो ये लेस देन हो गई। माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 9 18 एंड 2 19 30 है, तो ये हो गया x ग्रेटर देन 19 अपॉन 9। ये आंसर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, तो सॉल्यूशन सेट क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है, तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएंगे, जैसे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x लेस देन 19 अपॉन 9। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।